नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं महितपुर की खबरों की ओर। महितपुर के हाई प्रोफाइल खनिज माफिया को किसका है संरक्षण? माफिया संदीप चोपड़ा ने कर डाला करोड़ों का खनिज घोटाला। माताजी टेकरी से खनिज चोरी पकड़ाने वाले हिंदू संगठन की शिकायतकर्ताओं का जुलूस निकाल कर उन पर कर डाला फर्जी मुकदमा। खनिज चोर की चोरों की और उनकी सीना जोड़ी। हिंदू संगठनों के भारी दबाव के बाद खनिज चोर संदीप चोपड़ा 379 व धारा 414 में मुकदमा दर्ज किया, किंतु अब 4 माह में भी महितपुर पुलिस के हाथ अपराधी को गिरफ्तार करने में कपकपा रहे हैं। 6 बार अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है, उसके बाद भी पुलिस हाई प्रोफाइल आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? पुलिस खेल रही है आंख मिचोली का खेल। वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाही हेतु टीआई से पूछने को कहते हैं। टीआई से जब 4 माह से फरार खनिज चोर को पकड़ाने के विषय में पूछा जाता है तो सीधा साधा जवाब न देकर हो जाते हैं गुस्सा। मीडिया कर्मियों की कर रहे हैं अवहेलना। जिला बदर तथा कथित अपराधी संदीप चोपड़ा पुलिस पर पड़ रहा है भारी। आखिर कितने माह बाद होगी इस हाई प्रोफाइल खनिज चोर की गिरफ्तारी? मध्य प्रदेश का उच्च पुलिस प्रशासन तंत्र क्यों बैठा है इस खनिज चोर को गिरफ्तारी हेतु खामोश? तो पुलिस प्रशासन इसमें पूरा संदिग्ध में है, क्योंकि पुलिस प्रशासन महितपुर का सिर्फ एक काम है, निर्दोष को जेल में घुसो। इसके अलावा कोई कार्य उनके पास बचा नहीं है। जो भू माफिया है, जो उनको माल देता है, वो उसके पक्ष में बोलते हैं, और जो बेचारा गरीब है, जो बेचारा मध्यम वर्गीय परिवार से है, जो बेचारा अपने सही तरीके से आंदोलन करता है, उसको जुलूस निकाल कर उसको जेल में ठूसा जाए। उनकी मानसिकता ये बनी हुई है, ताकि क्योंकि गरीब आदमी उनको पैसे दे नहीं सकता है। यदि वो पैसे देता तो वो भी बाहर है, लेकिन सिर्फ यही है। दूसरी बात ये है कि संदीप चोपड़ा जो इतना बड़ा भू माफिया है, उसको संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? तो आप, मैं नहीं, पूरी जनता इस बारे में विषय में क्लियर हो चुकी है कि आखिर उसको संरक्षण क्यों मिल रहा है। कहीं ना कहीं उसके जो पैसे का जो प्रेशर है वो लगा हुआ है पूरी तरीके से, और फैलाया जा रहा है कि वो यहाँ है ही नहीं, फरार है। तो भाई साहब, फरार कहाँ से है मेरे को बताइए? रोज महितपुर में किसी ना किसी को दिख रहा है, तो फरार कहाँ से है? आखिर पुलिस प्रशासन इसको क्यों दबा रही है? मेरा प्रश्न ये है, पुलिस प्रशासन से क्यों दबाना चाहते हो इस बात को? सिर्फ आपके पास यही काम रह गया कि निर्दोषों को जेल में घूस दो। कोई निर्दोष अगर फंस गया तो उसकी पूरी 12 बजा दो। एक दो केस, मैं सिर्फ एक कल्ला केस नहीं हूँ, महितपुर प्रशासन के खिलाफ कितने केस है। बेचारे कोई आवाज उठाना नहीं समझ सकता, क्यों उठा, डरता है वो। मैं नहीं डरता हूँ, मेरे को और ठूसो, कितनी ताकत है तुम्हारी, लगाओ और मेरे को अंदर जेल में ठूस दो। लेकिन मैं सच्चाई के लिए लड़ता था, लड़ता हूँ और हमेशा सदैव लड़ता रहूंगा।